दोस्तों, आज के इस टॉपिक पे मैं टेनोर को लेकर बात करूंगा। टेनोर के स्मार्टफोन्स के बारे में, क्या आपको टेनोर के स्मार्टफोन जी हो या ई हो या डी टू आपको लेना चाहिए, वो आज शुरू में हम बात करने वाले हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। दोस्तों, सबसे पहली बात तो दोस्तों, यहाँ पर जब भी आपका प्राइस 8,000 के नीचे होता तब भी आपको टेनोर के स्मार्टफोन्स दिखते हैं, क्योंकि उसके ऊपर तो टेनोर का स्मार्टफोन्स है नहीं। अब कुछ लोग बोलते हैं फ़ोन घटिया है, ऐसा है वैसा, तो आज मैं पूरा क्लियर कट करूँगा आपको कि ये स्मार्टफोन क्या आपको लेने लायक है, क्या आपको ये स्मार्टफोन लेना चाहिए, वो चीज़ मैं आपको पूरा बताऊँगा। कुछ चीज़ें मैं आपको बुराई भी बताऊँगा और कुछ अच्छा ही बताऊँगा। अब बुराई है जो आपको, अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको देख के चलना, अगर आप उस चीज़ों पर ध्यान नहीं दोगे तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम हो सकता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी कॉन्स की। सबसे पहले बात दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एक बहुत ही कड़वा सच है, लेकिन ये सच है, ये जो टेनोर ब्रांड है ये बहुत ही छोटा ब्रांड है। इसका जो कंपनी यानी कि इसे मैन्युफैक्चर करता है हीक्विन टेक्नोलॉजी, जो कि चाइना में है, और ये सिर्फ फोन्स को नहीं बाकी काफी सारी चीजों को ये बनाता है। अगर आप किसी बड़े साइट पे अगर आप जाके देखोगे तो आपको टेनोर का नाम, आपको नामो निशान भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ब्रांड बनने की उम्मीद यहाँ पर नहीं। आप बहुत सारे लोग ये सोचे होंगे, मैं भी इवन सोचा था कि जो टेनोर का जो कंपनी है ये शाओमी के स्मार्टफोन्स को कम्पीट कर रही है, तो इसका मतलब ऐसा होगा कि फ्यूचर में शायद ये ब्रांड बनेगी। ब्रांड बनने के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। अब ये सवाल है कि जब इतनी छोटी सी कंपनी, तो अमेजोन इसे कैसे प्रमोट कर रही है, क्योंकि अमेजोन को भी ये सबसे पहला तो देखना चाहिए कि जो भी कंपनी होगा उसे प्रमोट करने से पहला उसका बैकग्राउंड उसे देखना चाहिए कि कैसा ये कंपनी, क्या ये आगे स्मार्टफोन्स लॉन्च करेगा, क्या इसका स्मार्टफोन्स लेने लायक होगा, क्योंकि वो अमेजोन का सबसे पहला देखता हूँ। मैं सबसे पहला जो दोष है वो मैं सबसे पहले अमेजोन को देता हूँ कि अगर कोई भी अगर कंपनी का सर्विस अगर अच्छे से नहीं मिलता है कोई स्मार्टफोन्स का, तो मैं उसका जिम्मेदार, क्योंकि अमेजोन ही है जो इस सब चीज़ों को प्रमोट कर रहा है। अब दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं यहाँ पर इसके कुछ कौन से। सबसे बड़ा कौन से, इसका सर्विस। अब दोस्तों, ये जो ब्रांड तो नई है तो आपको सर्विस उतना बढ़िया नहीं मिलेगा, आप सर्विस की ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। यदि आप एक स्मार्टफोन लेना चाहते हो, आप सोच रहे हो कि मुझे एक अच्छी सर्विस चाहिए आफ्टर सेल सर्विस, तो आप गलत जगह पे आए हो। टेनोर का जो सर्विस है ये आपको कुछ कुछ जो भी बड़े बड़े इलाके जैसे दिल्ली मुंबई हो गया, तो ऐसे में आपका सर्विस आपको अच्छी मिल जाएगी। पिकअप डिलीवरी है, आपका टाइम लग जाएगा, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आपको बढ़ा के देते हैं। ये तो सभी स्मार्टफोन्स आफ्टर सेल्स का, सभी का ये चलता रहता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि इसमें कुछ थोड़ा ज़्यादा बुराई, कुछ कंप्लेंट्स थी बीच में ऐसी आई थी कि उसका कुछ फ़ोन से कुछ कैमरा कुछ ख़राब हो गया, जब उसका स्पीकर ख़राब था, तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने उस चीज़ को एक डेनी लेटर होता है, यानी कि अगर आप कोई चीज़ अगर आप नहीं करते हो, आपके पास अगर कोई चीज़ नहीं है उसको आपको लिखे लेटर के थ्रू एक पुरावा देना होता था, अगर वो नहीं देते तो डिनाई लेटर होता है, तो ऐसा कुछ नहीं दिया था। तो कंज्यूमर कोर्ट करके ऐसा एक होता है जरिए, आपके साथ कुछ ऐसा कोई भी स्मार्टफोन के साथ अगर कोई भी कंपनी अगर आपको बना के नहीं दे रही, अगर आपके फ़ोन वारंटी में है, तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हो। कंज्यूमर कोर्ट में आप इसका कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो, तो वहाँ पर सब कुछ हो जाएगा। अब दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ ये स्मार्टफोन्स के बारे में। दोस्तों, प्राइसिंग आप देखो, 8,000 का फ़ोन है, 7,000 का फोन, और 6,000 में तो आपको अमेजोन के सेल में मिल जाता है। 6,000 और 7,000 में दोस्तों, मैं आज का जो वीडियो है, मैं ना तो मैं टेनोर के साइड में बनाऊंगा ना तो मैं आपके साइड में बनाऊंगा। सबसे पहली बात जो सही चीज़ है वो मैं बताऊंगा। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टेनोर के स्मार्टफोन लेने के बाद बोलते हैं कि भाई इसमें ये अच्छा नहीं है, उसमें वो अच्छा नहीं है। दोस्तों, सबसे पहली बात तो आपको ये देखना है कि प्राइस क्या, बात कर लेते हैं इसके। अगर मैं इसकी बात करता हूँ 7,500 की प्राइस में, तो 7,500 के प्राइस में दोस्तों आप देखिए कि आपको कौन सा आपको स्मार्टफोन मिल रहा है, स्पेसिफिकेशन क्या दे रहा है, आप सभी देखिए। आप देखोगे कि यार जो स्पेसिफिकेशन ये स्मार्टफोन दे रहा है वो स्पेसिफिकेशन तो कोई और स्मार्टफोन देगा भी नहीं। 626 का प्रोसेसर आपको मिल रहा है, आप ये सोचिए कि 626 का प्रोसेसर आपको मिलता है, 626 का प्रोसेसर तो दोस्तों आपको 10,000 में भी आपको नहीं मिलेगा, तो आपको यहाँ पर 6 और 7,000 में मिल रहा है। और ऐसे में आपको कंप्लेंट्स है कि मेरी जो फोटोज़ है वो नहीं आ रही है, गैलरी में नहीं सेव हो रही है, ऐसे में आप ये कंप्लेंट्स लेके बैठे लोगे कि ये फ़ोन अच्छी नहीं है इसका, ये तो कैसा चलेगा दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर आप देखो कि अगर 6,000 के प्राइस रेंज में अगर कोई कंपनी आपको 430 का भी प्रोसेसर दे विद 16 मेगापिक्सल का सेंसर, सेल्फी कैमरा, तो ऐसे में यार वो भी वैल्यू फॉर मनी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर तो आपको फुल पैकेज ही मिल जा रहा है, यानी कि 16 मेगापिक्सल का सेल्फी, 13+13 का RGB सेंसर और मोनोक्रोम सेंसर, सैमसंग का सेंसर फ्रंट में, 1080p का डिस्प्ले, 626 का प्रोसेसर, 4000 mAh की बैटरी, गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन, फिंगरप्रिंट, मेटल बॉडी, मतलब आप सोचिए कि 6,000 में वो क्या क्या मिल रहा है। और ऐसे में आप कोई छोटी सी या कोई बड़ी आप कुछ भी आप बात निकालोगे और आप उसे गाली दे दोगे कि यार ये फ़ोन ऐसा है, इस फोन में मतलब ये कंपनी अच्छी नहीं, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। सबसे पहली बात आपको ये सोचना है।
अब आप ये देखिए कि 6,000 के प्राइस में कोई कंपनी आपको देगी? मैं मानता हूँ ये ब्रांड नहीं है। मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगा, अगर आप टेनोर के स्मार्टफोन्स खरीदने देख रहे हो तो आपको ब्रांड वैल्यू नहीं मिलने वाली है, रीसेल वैल्यू आपको इतनी अच्छी नहीं मिलेगी। इस फोन को मैं आपको सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि इस फोन में ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, यानी कि अगर आप अपडेट कर लेते हो तो इस फोन में आपको आगे जाके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। यदि आप इसे अपडेट नहीं करते हो तो कुछ प्रॉब्लम आपको देखने मिलेगा, लेकिन वो नॉर्मल होगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होगा। तो इसलिए क्या होता है दोस्तों कि आपको इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है कि अपडेट आपको करना है। फाइनली दोस्तों, जो मेरा आचार विचार है टेनोर के बारे में, मैं आपको यही कहूँगा कि आप इस स्मार्टफोन, अगर आपको ब्रांड वाली चाहिए तो आप इस स्मार्टफोन को वहीं पर रख दीजिए। यदि आपको सिर्फ स्पेसिफिकेशन से मतलब है, अगर आप चाहते हो कि बस मुझे स्पेसिफिकेशन काफ़ी इसकी अच्छी है, इसकी जो फ़ोन है मैंने बीच में है, मैंने एक रिटेल शॉप में दिखाया था तो उन्होंने इसे खोल कर देखा तो मुझे बताया कि जो पार्ट्स जो यूज़ की गई है स्मार्टफोन में वो काफ़ी अच्छी है। मैं अच्छा ही नहीं करूँगा, बुराई ये है कि इसके जो स्मार्टफोन में ऑप्टिमाइजेशन अच्छे से नहीं, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप जाके वहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा, यदि आपको बजट है 6 से 7 हज़ार और आप एक फ़ोन लेना चाहते हो जिसमें आपको स्पेसिफिकेशन टेनोर जी जैसा आपको चाहिए, तो मैं आपको बताऊँगा आप टेनोर जी या टेनोर ई दोनों में से कोई भी स्मार्टफोन ले सकते हो, अगर आपको अपडेट से कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप अपडेट नहीं करते हो तो ही आपका जो फ़ोन है वो आगे सही ढंग से चलेगा। तो वही चीज़ को लेकर आप यहाँ पर क्या करना है कि आपको ये ध्यान रखना, जब भी आपको स्मार्टफोन लेने जा रहे हो तो ये सब चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर एक कंपनी है जो कि इतनी ब्रांडेड नहीं है लेकिन वो फिर भी दे रही है, वो चीज़ हमें देखना चाहिए। क्योंकि आप ये सोचिए कि टेनोर जो कंपनी है जो स्मार्टफोन दे रही है उसको कितना प्रॉफिट होता होगा, स्नैपड्रैगन 620 से कितना पावरफुल स्पेसिफिकेशन आपको 6,000 या 7,000 आपको 8,000 में मिलता है। तो ऐसे में आप कितने कुछ आपको बोलना चाहिए। पहली बात तो हमें कोई अगर सिंगल सा अगर हमें कोई प्रॉब्लम होता है तो अभी हम नहीं बोल सकते, बिकॉज 6,000 के प्राइस में तो हमको 626 भी नहीं मिलेगा। 626 यानी कि आपको 6,000 के प्राइस में आप अच्छे खासे पबजी खेल सकते हो, 4,000 mAh की आपको बैटरी मिल रही है, 16 MP का सेंसर मिल रहा है। तो आप ये सोचिए कि कितना कुछ आपको मिल जा रहा है, और छोटी सी प्रॉब्लम को लेकर आप सीधे हैवी क्या बोलते हैं इसको, बहुत ज़्यादा हाइपर हो जा रहे हो, मतलब इसका कोई सेंस नहीं बनता है। बहुत सारे ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं जो यार ये देख नहीं रही है कि उसकी प्राइस क्या है। अगर आप उसके प्राइस को देखोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि जो प्रॉब्लम्स छोटी मोटी तो रहेगी, कोई भी स्मार्टफोन ऐसा नहीं है कि उसमें आपको 100% यानी कि आपको कोई प्रॉब्लम देखने को, शाओमी के भी फोन्स में आपको आगे चल के आपको प्रॉब्लम मिलेगी देखने के लिए, लेकिन यहाँ पर आपको देखना क्या है कि जो कंपनी है वो आपको उतना ब्रांडेड नहीं है और यहाँ पर आपको स्पेसिफिकेशन अच्छी खासी दे रही है कम प्राइस में, तो कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि आपको सभी चीज़ अच्छी, अगर आपको सभी चीज़ अच्छी मिल जाएगी तो यार ये तो क्यों हमें फिर इतने सारे चीज़ देंगे, तो यार फ्लैश सेल में नहीं देते, क्योंकि बहुत सारे जो जितने भी जो फोन है आपको फ्लैश सेल में मिल रहे हो। तो ऐसे में यार आप ये क्या करके रहे हो, आप एक काम कीजिए, तो फोन मत लीजिए, या तो फिर आप फोन अगर आपको लेना है, अगर आपको कोई मतलब नहीं सच्चे तब लीजिए, क्योंकि 6,000 के प्राइस में 7,000 के प्राइस में मुझे लगता है कि ऐसी कोई भी जो भी कंप्लेंट मुझे सुनने को मिल रहा है वो अपडेट के बाद का ही। अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको अपडेट नहीं किया होगा उसने और उसको प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही था, जो भी आपका ओपिनियंस हो गए इस फोन्स के बारे में, इस कंपनी, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और क्या आप सोचते हो वो भी बताइएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब भी करना, जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे प्रेस करना। तो बोलते आपको अगले में, तब तक के लिए।